हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो सेंटेंसेस पढ़े हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अभी आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस अगर हमें देखें तो इन्हें हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो आदेशात्मक शब्द से ही पता चलता है, आदेश देने वाले वाक्य, ठीक है। आदेशात्मक वाक्य देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ ऑर्डर दिए जाते हैं, जैसे यहाँ आओ, ठीक है। दूसरा, मेरे लिए पानी लाओ। मेरे लिए पानी लाओ। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव, दो तरह के सेंटेंस ही हम इसमें बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक तरह के सेंटेंस हुए, यहाँ आओ, मेरे लिए पानी लाओ। अब इसी में जैसे यहाँ मत खेलो, हंसो मत, ठीक है। एक प्रकार के कैटेगरी में तो ये सेंटेंसेज आते हैं। दूसरे प्रकार की कैटेगरी में मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे इसमें रिक्वेस्ट मोस्टली की जाती है, मुझे जाने दो, जिन शब्दों के पीछे दो आएगा, मुझे जाने दो, खाने दो, पीने दो, सोने दो, उठने दो, बैठने दो, खेलने दो, कूदने दो, इस तरह से, ठीक है। इसमें भी एफर्मेटिव और नेगेटिव दो तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव और नेगेटिव दो तरह के सेंटेंस इसमें भी बनाते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लो नेगेटिव लिख लेता हूँ, उसे जाने मत दो, ठीक है, उसे जाने मत दो, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इनका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ये वाले जो सेंटेंस हमने बताए थे, यहाँ आओ, मेरे लिए पानी लाओ, तो इनके ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस, पहले प्रकार के जो सेंटेंस थे उनके लिए फॉर्मूला देख लीजिए एफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद रेस्ट, जो भी हो, ठीक है। अब जैसे हमने सेंटेंस क्या लिखा था ऊपर, यहाँ आओ, तो सर इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या आएगा? सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, बचा क्या हमारे पास? हेयर, कम हेयर, यहाँ आओ, बन गया सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, मेरे लिए पानी लाओ, तो सबसे पहले क्या आएगा? गिव, ब्रिंग, क्या लाना है? पानी, किसके लिए? फॉर मी, ठीक है। ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा कि कई बार जब हम स्पोकन करते हैं तो स्पोकन के टाइम पे हम गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, बात वही है, लेकिन वो कहाँ आ जाता है? वो यहाँ आ जाता है। तो स्पोकन टाइम पे हमको ग्रामेटिकली ध्यान नहीं देना होता है, ठीक है। तो ब्रिंग वाटर फॉर मी, मेरे लिए पानी लाओ, ये हमें ग्रामेटिकली सही लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ध्यान देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस जैसे ऊपर मैंने लिखा है, यहाँ मत खेलो। चलिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में? डोंट या डू नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस रेस्ट, जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा बाद में, ठीक है। बचा कुचा देखिए, यहाँ मत खेलो, तो सबसे पहले डोंट, क्रिया क्या है? खेलना, प्ले, कहाँ नहीं खेलना है? यहाँ, डोंट प्ले हेयर, यहाँ मत खेलो, क्लियर हुआ?
हंसो मत, मैंने ऊपर लिखा है सेंटेंस, हंसो मत, ठीक है। तो सबसे पहले डोंट और क्रिया क्या है हमारी, लाफ, डोंट लाफ, हंसो मत। अब देखिए जो सेंटेंस जिनके पीछे दो शब्द आएगा उन सेंटेंसों का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा हमें थोड़ा देखने वाली बात है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। जैसे मुझे जाने दो, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है, लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मी, क्रिया क्या है, जाना, गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखा था मैंने, उसे खेलने दो, तो सबसे पहले क्या आएगा, लेट, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, क्रिया क्या आया, प्ले, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। अब नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डोंट लगा देंगे, उसके बाद में लेट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर रेस्ट। तो जैसे उसे जाने मत दो, तो सबसे पहले डोंट, फिर क्या आएगा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट हिम, क्रिया गो, डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत दो। उसे खेलने मत दो, तो सबसे पहले डोंट लेट हिम प्ले, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले डोंट आया, फिर लेट, फिर वर्ब की फर्स्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डन। चलिए इनके साथ साथ ना कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें ना प्रस्ताव रखा जाता है, प्रस्ताव, जैसे आओ क्रिकेट खेलें, तो इनमें ना एक बंदा दूसरे बंदे को क्या कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति को क्या कह रहा है, आओ क्रिकेट खेलें, यानी सिंगल तो हो रहा नहीं, तो ठीक है, तो एक से ज़्यादा हुए तो कैसे हो गए, बहुवचन। बहुवचन के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें इसमें लेट अस का प्रयोग करेंगे, यहाँ क्या स्टार्टिंग में रखेंगे, ऐसे सेंटेंसों में लेट अस और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो भी बचा है आपका, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट जो भी बचा है वो यहाँ लिखना है। तो देखिए सेंटेंस क्या है, आओ क्रिकेट खेलें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस, क्रिया क्या है, प्ले, क्या खेलना है, क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें, ठीक है। जैसे आओ खाना खाएं, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, लेट अस ईट द फूड, आओ खाना खाएं या चलो खाना खाएं, बात एक ही है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। हाँ अगर इसका कोई नेगेटिव सेंटेंस आता है, जैसे कि क्रिकेट, आओ क्रिकेट न खेलें, क्रिकेट न खेलें, तो सर ध्यान दीजिएगा इसे हम दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेट अस नॉट प्ले क्रिकेट, या फिर हम इसे सब्जेक्ट से अगर बनाना चाहें तो वी शुड, क्योंकि सलाह के लिए हम शुड का यूज करते हैं, तो वी शुड नॉट प्ले क्रिकेट, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये थे आज आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है।